हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर पत्रकार मामले पर खुलकर बोले राजेंद्र सिंह बियाड़, चुनाव आयोग ले संज्ञान। पेपर लीक मामले की खबर चलाने वाले बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार को धक्का मुक्की कर हिरासत में लेने के मामले की भाजपा नेता राजेंद्र सिंह बियाड़ ने भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में प्रशासन व पुलिस नाकामयाब रही। पुलिस ने बेगुनाह पत्रकार पर अनुशासनहीन कार्यवाही की जो गलत है। तुम बेवजह ही काले कारनामों की परतें खोलने वाले पत्रकारों को जेल में ठूस रहे हो। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में अफसरशाही और नौकरशाही हावी हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत बाड़मेर पुलिस पर चरितार्थ होने की बात कही। पत्रकारिता जो कानून का ही एक हिस्सा है, उस पर जिस तरीके से लगातार प्रहार हो रहे हैं, क्या मानते हैं, कितनी बुरी स्थिति है ये? नहीं, ये गलत है, 100% निंदनीय बात है। डेमोक्रेसी के अंदर पत्रकारिता चौथा पिलर है, फोर्थ पिलर है, ठीक है। अब आप जो है इस तरह से मान लो ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है, वो गुंडे पे उतर जाए और इतने इम्पोर्टेंट पिलर को साथ में मिसबिहेव करे बिना कोई कारण के, तो इसकी जितनी निंदा की जाए, घोर से घोर निंदा की जाए, उतना कम है। और जो रिस्पॉन्सिबल अफसर है, अब भाई ये लागू हो गई आपकी इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो अब आचार संहिता लग गई तो सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं सकती। नहीं तो हम तो सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि भाई इसे अब सरकार नहीं कर पाती तो हम तो इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ऊपर आ रही है तो इसमें इस तरह से गैर जिम्मेदारी भरी हरकत करने वाले जो भी लोग हो जिम्मेदार, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत प्रभाव के साथ। और ये इस तरह की घटनाएं जो है लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं किसी कोस्ट पर। आप देखिए, एक पत्रकार को आप जो है बांह से पकड़ करके और गुंडागर्दी करते हुए पुलिस की वैन में खींच के डाल रहे हैं, ये कौन लोकतंत्र का, कौन व्यक्ति जो है लोकतंत्र में आस्था रखने वाला उसको सही मानेगा, बताओ आप बताओ, सही है? ये देखो, पहले जो घटना हुई द्रुक सिंह राजपुरोहित आईली, उस घटना में भी जो यहाँ की पुलिस ने जो व्यवहार किया वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार था। बिना कोई नोटिस के, बिना कोई प्रॉपर कानूनी कार्रवाई के ठूस के भेज दिया बिहार, वो लेना नहीं देना, वो उसकी परतें समय आने पे कोर्ट खोल रहा, और दूसरी घटना ये हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की काम करता है तो अब तो ये एक रास्ता बचता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये सुझाव देता हूँ पत्रकार बंधुओं को भी कि उनको प्रॉपर शिकायत इलेक्शन कमीशन में दर्ज करानी चाहिए। आम नागरिक को, पॉलिटिकल वर्कर को, पॉलिटिकल लीडर को, ये कोई सवाल इस पार्टी का उस पार्टी का नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स जिस तरह से हावी हो रहे हैं, नौकरशाही, ये अफसरशाही जिस तरह से हावी हो रही लोकतंत्र पे, ये तो आम नागरिक के लिए खतरा है। और जब मीडिया की वही से आप दबा दोगे, अब बोल रहे हैं कि सोर्स बताओ, क्यों, खाला का राज है, तुम्हारे चाचा का राज है, सोर्स क्यों बताएंगे भाई, कौन बताता है? ये तो सीधा साफ साफ दिख रहा भाई, उल्टा चोर कोतवालों को डांटे। तुम नकल रोक नहीं सकते, तुम चोरी रोक नहीं सकते, तुम दो नंबर का धंधा रोक नहीं सकते, तुम गुंडे ही रोक नहीं सकते, और तुम जो है गुंडे की परतें खोलने वाले उनको जो ठूंस रहे हो जेल में, तो ये कौन सा रास्ता है भाई? इस देश में लोकतंत्र बचना चाहिए। लोकतंत्र तब बचेगा जब मीडिया बचेगा, नागरिक के अधिकार बचेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज बचेगी, जनता का जो है स्वतंत्र व्यू बचेगा, तब तो बचेगा लोकतंत्र, या ऐसे बच जाएगा? कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ उदाहरण को छोड़ दें, तो राजनेताओं की जुबान भी खुलती नहीं है कि भाई अब हमारी बिरादरी पे तो मैं टिप्पणी नहीं, देखो अब बहुत गिरावट है राजनीति में भी, बहुत सारे जो है व्यापार धंधा करने वाले लोग भी पॉलिटिकल वर्कर हो गए जिनको पॉलिटिकल समझ नहीं है। तो धंधा करने वाला व्यक्ति सोचता है कि SP नाराज नहीं हो जाए, कलेक्टर नाराज नहीं हो जाए, PWD का AC नाराज नहीं हो जाए, उसकी सोच जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक होती है। इसलिए हम दो तरह के लोगों के पॉलिटिक्स में आने के बिल्कुल खिलाफ है, व्यापारी लोगों के और ये आपके जो कई नौकरशाह टाइप के लोग आ जाते हैं, तो ये सही बात है, पॉलिटिकल लोगों को बोलना चाहिए। ये कोई एक पत्रकार का इश्यू नहीं है, प्रेमदान का इश्यू नहीं है, इश्यू ये है लोकतंत्र में पत्रकारों के साथ इस तरह का मिसबिहेव स्वीकार्य है क्या? ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं है तो खुल के बोलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।